सदर थाना क्षेत्र में 39 वर्षीय मतिमंद महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां आरोपी ने महिला के अकेले होने का फायदा उठाकर नशे की हालत में उसके साथ हिंसा कर दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय आरोपी लिंगेश्वर प्रकाश चार्ली कैटर का काम करता है और शराब के नशे का आदि है एवं घर में अकेला ही रहता है। आरोपी को महिला के मतिमंद और घर में अकेले होने का पता था, जिसके तहत आरोपी दारू के नशे में मतिमंद महिला के घर जा पहुंचा। पहले उसने महिला को प्रताड़ित किया, फिर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित मतिमंद महिला की बड़ी बहन अपनी बहन से मिलने उसके घर पहुंची। परिदृश्य ऐसा देखा जिसकी कभी उसने कल्पना तक नहीं की थी। पीड़ित महिला की बहन ने आरोपी को नग्न अवस्था में बेड पर लेटा देखा। पास ही उसकी बहन भय में सहमी हुई थी, जिस पर महिला ने चीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को दबोचकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। काल पोलीस स्टेशन सदर येथे अपराध क्रमांक 273/23 कलम 376(2) JL आणि कलम 452 भादवीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यातील आरोपी लिंगेश्वर प्रकाश चार्ली वय 40 वर्षे, राहणार खलाशी लाईन कापसी माता मंदिर जवळ मोहन नगर पोलीस स्टेशन सदर नागपूर। हा यातील जी पीडिता आहे ती थोडी मतिमंद स्वरूपाची आहे। तिच्या घरी जबरदस्तीने घुसून घरी कोणी नसल्याचा फायदा घेऊन तिच्यावर बळजबरी अत्याचार केलेला आहे। पीडितेची जी बहीण आहे ती अचानक तिच्या घरी पोहोचली आणि दार उघडून बघितल्यानंतर आरोपी तिथे तिला विचित्र अवस्थेत सापडलेला होता। तिने आरडाओरडा करून शेजाऱ्यांना बोलवून आरोपीला पकडलं होतं। पोलिसांनी तात्काळ सदर ठिकाणी पोहोचून आरोपीला ताब्यात घेऊन फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार आरोपीविरुद्ध कलम 376 गुन्हा दाखल केलेला आहे। आज रोजी माननीय न्यायालयात सदर आरोपीला हजर करून त्याचा PCR घेऊन सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास सपोनी मेत्रे या करत आहे। आरोपी हा ओळखीचा नाही आहे, परंतु तो कॅटरर्सकडे कामाला आहे असं त्यांनी काल सांगितलेलं आहे। त्याचं मूळ नागपूर नाही आहे, तो बाहेरून आलेला आहे। नेमका कुठून आला, काल तो दारूच्या नशेत असता असल्यामुळे तो सांगत नव्हता। आज आम्ही तपासादरम्यान त्याच्याकडे सखोल याबाबत तपास करीत आहोत। याची शक्यता आहे, त्यामुळेच त्यांनी त्याच्या एकटेपणाचा फायदा घेऊन अत्याचार केल्याचे दिसून येत आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।